हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश रंजन आप सबका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CTQ के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल टू क्वालिटी। दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। CTQ क्या होता है? इसमें एक CTQ ट्री बनती है जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा और एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि CTQ ट्री कैसे बनता है। दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, CTQ का मतलब होता है कि जो कस्टमर की नीड्स है, आवश्यकता है, डिमांड है, उसको पूरा करने में मदद करता है CTQ, जिसकी हेल्प से आप कस्टमर को सेटिस्फाई करवा सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप इसको ले सकते हैं, ये इसकी रिक्वायरमेंट सारा कुछ मीट करके हम लोग दे रहे हैं। तो ये है CTQ। CTQ का फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल टू क्वालिटी। CTQ ऐसा पैरामीटर है जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को डिफाइन करता है। यह इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप करने में। CTQ रिप्रेजेंट करता है प्रोडक्ट और सर्विस जो कस्टमर द्वारा डिफाइन किया जाता है। आइडेंटिफाई करें कि आपके जो कस्टमर हैं वो आपके प्रोडक्ट और सर्विस को कैसे इवेल्यूएट करते हैं, उसकी पहचान करें। जब भी आप किसी न्यू प्रोडक्ट की डेवलपमेंट करते हैं तो उसमें क्वालिटी बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, ना केवल आपकी कस्टमर के रिक्वायरमेंट के लिए बल्कि मार्केट में आपको कंपटीटर बनाए रखने के लिए भी। CTQ के कुछ बेसिक स्टेप हैं, उनको समझते हैं। जैसे पहला है आइडेंटिफाई हु योर कस्टमर आर, आपके कस्टमर कौन है उसको आइडेंटिफाई करें। कलेक्ट VOC डाटा, VOC वॉइस ऑफ कस्टमर डाटा। तीसरा, एनालाइज द VOC डाटा। चौथा, क्रिएट ए लिस्ट फॉर CTQ रिक्वायरमेंट। CTQ की रिक्वायरमेंट क्या है उसकी एक लिस्ट बनाएं। प्रायोरिटाइज रिक्वायरमेंट जो आपने कलेक्ट की है उसमें प्रायोरिटाइज दीजिए कि कौन से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कस्टमर के लिए। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं CTQ ट्री के बारे में। CTQ में एक ट्री बनता है जिसको CTQ ट्री भी बोलते हैं। यह आपको हेल्प करता है कि आपके कस्टमर की नज़र में क्वालिटी क्या है, ताकि आप वैसे प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कर सके कस्टमर को जिससे वो जेन्युइनली प्रसन्न हो, खुश हो। CTQ डायग्राम बेस्ड टूल है जो हेल्प करता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस को डेवलप और डिलीवर करने में। यह CTQ ट्री का एग्जांपल है जिसको समझिए। पहले आता है कस्टमर की नीड्स, कस्टमर की जरूरतें क्या हैं। उसके बाद ड्राइवर्स आते हैं जो कि उसकी नीड्स को पूरा करते हैं। उसके बाद ड्राइवर से रिक्वायरमेंट क्या है उसकी, उस हिसाब से ये ट्री बनाते हैं। अब समझते हैं CTQ ट्री कैसे बनाते हैं, इस टूल का यूज कैसे किया जाता है। दोस्तों, इसमें तीन स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स, क्रिटिकल नीड्स भी बोलते हैं इसको। इस स्टेप में आप कस्टमर की नीड्स का पता लगाते हैं, जैसे कि आप कस्टमर से डायरेक्ट भी बात करके उसकी ज़रूरतों को पूछ सकते हैं। अगर कस्टमर से डायरेक्टली बात करके नहीं पूछ सकते तो आप अपने जो कस्टमर एंड देखता है उनसे या अपनी टीममेट से बात करके, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके वो सारी जो उसकी नीड्स है उसकी पता लगाया जाता है। जो दूसरा स्टेप है वो है आइडेंटिफाई क्वालिटी ड्राइवर्स। ये जो अभी पहले स्टेप में हमने बात की, जो नीड्स होती है उसके आधार पे इन ड्राइवर को तैयार किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि जो नीड्स है उसको पूरी की जा सके कस्टमर की। इसमें भी आप अपने जो कस्टमर एंड के देखने वाले लोग हैं उनसे या अपने टीममेट के साथ बैठ करके इस पे भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करके इनको पता लगाया जा सकता है। जो तीसरा स्टेप है वो है आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट। इस स्टेप में आपको मिनिमम परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके सभी क्वालिटी ड्राइवर्स को सेटिस्फाई करना होगा। जो आपने पिछले स्टेप में किया उसको इसमें सेटिस्फाई करना होता है। चलिए CTQ ट्री को एक एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे ट्री बनता है और कैसे ये जो तीनों स्टेप हैं उसमें काम करते हैं। चलिए देखते हैं। अब एग्जांपल से समझते हैं CTQ ट्री को कैसे बनाया जाता है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया है जिसमें कस्टमर कह रहा है कि
आई वॉन्ट ए कॉफी डैट इज गुड, ये कस्टमर की नीड्स है, मतलब कि कस्टमर को कॉफी चाहिए जो कि अच्छा हो, बहुत अच्छा हो। अब आपको इस पे काम करना है, और इसके जो ड्राइवर हैं, इसके बाद इसके ड्राइवर आएंगे, ड्राइव कैसे करेंगे, मतलब इसको ड्राइव, जो इसने कहा है कि ये हमें अच्छा चाहिए, इसको ड्राइव करने के लिए आप क्या करेंगे, तो इसके कुछ पॉइंट हैं, वो समझिए क्या कह रहे हैं। जो पहला है वो है टेस्ट, टेस्ट अच्छा होना चाहिए, टेस्ट अच्छा होगा तभी तो कोई पिएगा उसको। फिर टेम्परेचर, टेम्परेचर अच्छे टेम्परेचर पे बना होना चाहिए, ताकि मतलब कई बार होता है ना कॉफ़ी है कोई गर्म ठंडा, उस हिसाब से इसको टेम्परेचर करना चाहिए। और जो कॉस्ट होगी, तीसरा है कॉस्ट, जो कॉस्ट भी होनी चाहिए वो भी सही होनी चाहिए, ताकि कस्टमर उसको पी सके या खरीद सके। ये हो गया ड्राइवर। अब आता है CTQ, जिसको कि रिक्वायरमेंट्स भी बोलते हैं। इसमें अब क्या करना होता है, इन ड्राइवर्स पे काम करना है आपको। टेस्ट है, टेस्ट में ज़्यादा है नॉट एसिडिक, मतलब थोड़ा उस तरीके का नहीं बनाए कि कड़वा स्वाद लगे। दूसरा इसमें है रिच, टेस्ट अच्छा होना चाहिए ताकि लोग आसानी से पी जाएं और डिमांड करें, ऐसा टेस्ट बनाइए उसमें कॉफ़ी को। दूसरा ड्राइवर है टेम्परेचर, टेम्परेचर पे आपको क्या सेट करना है, मतलब 60 डिग्री से कम पे भी आप कॉफ़ी को बना सकते हैं, या 80 डिग्री से ज़्यादा पे भी आप कॉफ़ी को बना सकते हैं। तो यह है टेम्परेचर का इफेक्ट, मतलब आपको ऐसा बना देना है कि कस्टमर कोई आपको कुछ ये ना कहे कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और जो लास्ट वाला है कॉस्ट, कॉस्ट में आप लोगों को ऐसा ध्यान रखना है कि आपका भी कुछ हो और कस्टमर भी उसको मना ना कर सके। तो तीन जो लिखा है ना, ₹3 per cup, ये है दोस्तों CTQ ट्री के एग्जांपल। एक और समझते हैं एग्जांपल से क्या कैसे बनता है CTQ ट्री। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।